कठुआ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों कठुआ में दो वारदात हुई। पहली तो पार्लियामेंट क्षेत्र एक दुकानदार की लूटपाट की गई, उसके बाद जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सैसमा मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप को लूटा गया, लेकिन जो मुजरिम थे वो गिरफ्त बाहर थे। मैं आपको बता दूं कि आज कठुआ के एसएसपी क्षेत्र पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। चड़वाल के पेट्रोल पंप पे रॉबरी हुई थी, जिसमें कि दो पेट्रोल पंप के एम्प्लॉइज़ को फायरिंग करके इंजर किया गया था, जख्मी किया गया था, जिनका नाम हंसराज सन ऑफ अशरुफ महानपुर कठुआ के रहने वाले और प्रकाश सिंह सन ऑफ मुंशी राम गुजरू नगरोटा रामकोट के रहने वाले हैं, जिसके बेसिस पे FIR नंबर 47/2019 अंडर सेक्शंस 392, 397, 307 RPC 3, 4 और 25 आर्म्स एक्ट पुलिस स्टेशन राजबाग में रजिस्टर हुआ था। और जो पहला इंसिडेंट था, जिसमें कि FIR नंबर 42/2019 अंडर सेक्शन 392 और 34 RPC 3, 4 और 25 आर्म्स एक्ट रजिस्टर हुआ था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन और पुख्ता लीड्स के बेसिस पे हमने आज जो इस गैंग का प्राइम जो अक्यूज्ड है, जिसका नाम बलबीर सिंह अलियास पम्मा सन ऑफ योगराज सिंह दीनानगर पंजाब का रहने वाला, जो आज की डेट में बमियाल पंजाब में रहता है, उसको अरेस्ट करने में कामयाब हुए। उसकी पजेशन से हमें एक नाजायज पिस्तल और उसमें 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। प्राइमरी जो क्वेश्चनिंग उसके साथ हुई है, उस क्वेश्चनिंग में अपने जुर्म को उसने कबूल किया है। और इसके साथ साथ ये दो केसेस जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ में रजिस्टर हुए थे, वो और पठानकोट का एक पेट्रोल पंप की रॉबरी का इंसिडेंट उसने मान लिया है। इस तरीके से इसके फॉलोअप एक्शन में दो और रॉबर्स, जिनका नाम राकेश कुमार अलियास टोनी सन ऑफ गगीराम और विशाल वर्मा सन ऑफ कृष्णधर, दोनों हीरानगर से रहने वाले, इन दोनों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे भी इन रॉबरी जैसे वारदातों को अंजाम देने की तस्दीक हुई है। आपके ज़रिए से हम लोगों को ये बताना और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन इंसिडेंट्स के बारे में जिसके भी पास कोई एक्विंटेंस हो और नॉलेज हो, वो लोग सामने आए और इस केस में जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है वो पुलिस के साथ शेयर करें, ताकि इन अक्यूज को हम कन्विक्शन तक ले जाएं। जिस तरीके के और जितने इम्पॉर्टेंट ये वारदात है, उस वारदात से जो असर यहाँ के लोगों पे हुआ था, उसके चलते हम चाहते हैं कि इन केसेस को हम कन्विक्शन तक लेके जाएं और जो अक्यूज्ड है उनको सज़ा मिले। इसके लिए लोगों का कोऑपरेशन हमें बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस पूरे दौरान एक 1.5 महीने का जो टाइम स्पैन कालावधि हुआ है, जिसके दौरान बहुत सारे लोगों ने हमें इसमें सपोर्ट किया है और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, उसके लिए हम सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। सर, पंप से लूटी गई रकम कितनी थी और बरामद कितना हुआ? अभी तक जो रिकवरी है उसमें 1 पिस्तल और 5 जिंदा कारतूस है, जिसमें कि जो वहाँ पे हमें खाली कारतूस मिले हैं उसके साथ मैचिंग है। इसका फर्दर जो डिटेल होगा वो हमें FSL से वेरीफाई करके उसके बाद ही आपको। सर, पैसे लूटेड अमाउंट जितना अमाउंट लूटा है उसके बारे में पेट्रोल पंप वालों का जो कहना है वो अभी कंसोलिडेटेड फिगर नहीं दे पाए हैं। हमारे हिसाब से जो अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार तक होना चाहिए और वो अमाउंट एक बार हम कंसोलिडेट करके उसके बाद उसकी फर्दर कार्रवाई शुरू करें। जो
मेन अक्यूज्ड हैं ये हीरानगर के बड़ोली जो विलेज है उस एरिया में पकड़ा गया है, और जो बाकी दो अक्यूज्ड हैं ये एक परंगोली और दूसरा मंगलूर डिंगा के एरिया में पकड़ा गया है। सर हथियार जो हैं सर लोकल हैं या फॉरेन जो पकड़ा गया? ये लोकली मेड वेपन है और बड़ा क्रूड तरीके का बनावट उसकी है, जिससे लगता है कि ये कोई देसी इलीगल फैक्ट्री से बनाया हुआ होगा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन साथ ही साथ इस केस के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। क्या इनके साथ में पंजाब के भी सहयोगी हैं? हमें लगता है कि इनके साथ जरूर और लोग जुड़े होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा वारदात और ये एक इंटरस्टेट गैंग है जिनका पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर ये तीन स्टेट्स के बीच में उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। उसके चलते हमें लगता है कि ज़रूर इनके साथ हिमाचल और पंजाब के कुछ लोग एसोसिएटेड होंगे, उसके बारे में फर्दर हमने इसमें कार्रवाई शुरू की है। International Delhi Public School, a pioneer in quality education, we offer a creative, caring, innovative and harmonious learning environment for children. Air-conditioned and spacious classrooms, high-security CCTV surveillance, efficient transport facility, indoor and outdoor sports complexes, huge playground, shooting archery range and swimming pool. We offer special pre-primary program. International Delhi Public School.